हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर आर्यन तिवारी, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। आज का वीडियो मैं अपने जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मैंने कैसे अपने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया और मतलब क्या क्या मुझे डिफ़िकल्टीज आई, और उसके बारे में बताऊँगा और कैसे कैसे मतलब प्रोसीजर्स हुए, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो कोई आज पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आया, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और ऐसे सपोर्ट देते रहिए दोस्तों, जिससे कि मुझे अपना मैं अपना 6 साल की जर्नी आपके साथ शेयर करूँ। ट्वेंटी का नीट का रिज़ल्ट निकला, तो उसके बाद मेरा मतलब डिसीज़न, घर वालों ने डिसीज़न ले लिया था कि मतलब MBBS अब्रॉड से करना है। लेकिन उससे पहले भी हम लोग ने कई सारा मतलब बहुत कुछ ट्राई किया था, जैसे कि इंडिया में प्राइवेट कॉलेज के लिए, और उसका भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मैंने रिसर्च किया था, लेकिन वो ओवर कॉस्ट मतलब बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ जाता था, कि कई सारे मेडिकल कॉलेजेस में इंडिया में प्राइवेट में 15 लाख 16 लाख 1 साल का फीस है, तो वो अफोर्डेबल नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि मुझे BMS में एडमिशन मिल जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि ज़्यादा प्रिफरेबल है कि मैं क्यों क्यों ना मतलब MBBS अब्रॉड से कर लूँ। तो मैंने इसका डाटा भी मतलब देखा था साइट पे, और का मैंने रिसर्च भी किया था, और उसमें मुझे पता चला कि MBBS अब्रॉड से जो वापस इंडिया आ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैंने डिसीज़न ले ही लिया था कि अब मुझे MBBS अब्रॉड से ही करना है, और फिर बाद में मैंने सोचा कि कौन सा कंट्री बेस्ट होगा, तो मैंने इसके बारे में भी सोचा। तो जब मैंने एक डाटा देखा था, तो उसमें देखा कि मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स रशिया प्रीफर करते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब क्योंकि अगर रशिया ही सब लोग प्रीफर कर रहे हैं, और सिंस मतलब बहुत समय से मतलब काफ़ी मेरे ख्याल से 1990 से लोग रशिया में जा रहे हैं MBBS करने के लिए यहाँ से इंडिया से, तो मैंने जब ये देखा तो मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब डिसीजन और मुझे क्लियर हो गया था, क्लियरेंस मिल गई थी कि ठीक है, अब मैं रशिया से ही करूँगा MBBS। और ये भी सोचा था कि एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मतलब किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे अगर इंडियन कम्युनिटीज़ अगर रहती है तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिलता है। तो मैंने डिसीजन सोच लिया था कि MBBS रशिया से करने के लिए। फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा मतलब ढूंढने रिसर्च करने के बाद मुझे कई सारे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता चला रशिया में, और उसमें से जैसे बशकीर था, पटोजाउस था, और कैमेरोवो था, कबरदिनो था, और नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी था, फार ईस्टर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी था, क्राइमिया था। तो मैंने इन सब के बारे में काफ़ी दिनों से रिसर्च भी किया था कि इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। सबसे पहले लोग जब भी लोग डिसीज़न लेते हैं MBBS अब्रॉड के लिए, तो वो यह सोचते हैं कि वहाँ का बजट कैसा है, मतलब बजट के हिसाब से सब लोग जाते हैं ना, कि किसी किसी कॉलेज का बहुत ज़्यादा रहता है और किसी किसी कॉलेज का बहुत ही मतलब कम नहीं होता, लेकिन अफोर्डेबल होता है, एक तरफ से ये कह सकते हैं अफोर्डेबल है। तो मैंने इस पर भी काफ़ी ज़्यादा देखा, और सबका फ़ी स्ट्रक्चर ये सब भी देखा, तो मुझे पेट्रोजाउस स्टेट यूनिवर्सिटी और बस्किर स्टेट यूनिवर्सिटी में मतलब दो यूनिवर्सिटी मुझे पसंद आए थे। तो फिर बाद में मैंने इन दोनों के बीच में भी कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा किया था, तो बशकीर थोड़ा मतलब 5-6 लाख ज़्यादा हो रहा था पेट्रोजाउस से। तो फिर मैंने सोचा कि अब ठीक है, पेट्रोजाउस के लिए कंफर्म करते हैं। फिर बाद में जब मैंने इस बार में कंफर्म किया, तो अपने पेरेंट्स से बताया, और उन्होंने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब रिसर्च किया, देखा, और फिर बाद में उनको भी ठीक लगा कि हाँ चलो ठीक है, ये यूनिवर्सिटी। और वैसे तो ये पहली बार इंडियंस के लिए खुला था, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के रैंकिंग्स के हिसाब से मैंने देखा तो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी थी। जब मेरे पेरेंट्स ने रिसर्च कर लिया था, तो उसके बाद उन्होंने कंसल्टेंसी से बात करना शुरू कर दिया था पेट्रोज हाउस के लिए,
तो एंड टू एंड उन्होंने कंसल्टेंसी से बात करना शुरू कर लिया था, और उन्होंने सब कुछ उनसे डाटा निकाला कंसल्टेंसी से, और उन्होंने सब कुछ प्रोसेस बताया कंसल्टेंसी वालों ने। देन फाइनली मेरा सब कुछ कंफर्म हो गया था पेट्रोस हाउस के लिए, और फिर उसके बाद मैंने सब अपना डॉक्यूमेंट्स कंसल्टेंसी को दिया, और उन्होंने मतलब बताया कैसे कैसे आगे प्रोसीजर है, और उन्होंने वीज़ा भी मतलब मेरा अप्लाई कर दिया था उसके बाद से। फिर बाद में मेरा टिकट निकला था 11 दिसंबर 2020 का रशिया के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद सब फ्रेंड्स हमारे आए जो पेट्रोस हाउस के लिए जा रहे थे, और वहाँ पे हमारी कंसल्टेंसी भी थी हमको यहाँ तक लेकर आने के लिए। और फिर हम सब एक जगह मतलब इकट्ठा हुए, फिर वहाँ से हम लोग एयरपोर्ट के अंदर एंट्री लिए, और एंट्री लेने के बाद हर एक स्टेजेस को हम लोग ने ऐसे क्लियर किया, और फिर मुझे इसके बारे में एक्सपीरियंस भी हो गया था कि कैसे कैसे प्रोसीजर होता है एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए, तो मुझे आइडिया भी हो गया था। और उसके बाद हमने एयरपोर्ट फ्लाइट पे बैठा, और वहाँ पे हमारी 7 घंटे की फ्लाइट थी दिल्ली टू मॉस्को, और रशिया में आने के लिए ना मतलब मॉस्को में ही सब लोग जो इंडियन स्टूडेंट्स जो भी है मतलब आते हैं इंडिया से, वो मॉस्को में ही जाते हैं, और मॉस्को से फिर बाद में जहाँ जहाँ उनको मतलब जिस यूनिवर्सिटी को उन्होंने प्रिफर किया है वहाँ से वो अलग अलग डिफरेंट रूट्स पे चले जाते हैं वाया फ्लाइट्स या फिर ट्रेन्स भी यहाँ पे, और बस भी अवेलेबल है, तो उससे सब लोग अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। तो हम मॉस्को सुबह सुबह पहुँच गए थे 6 बजे। उसके बाद से हमने मतलब 6 बजे पहुंचने के बाद मॉस्को में पहली बार मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेड ठंड भी महसूस किया, ऐसा इंडिया में मैंने कभी नहीं किया था। तो मुझे इस बात का भी काफ़ी मतलब अंदर से डर लग रहा था, क्योंकि मैंने काफ़ी पतला जैकेट पहन के रखा था उस दिन, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो एज हाउ हमने मैनेज किया। फिर बाद में वहाँ से हम लोग मॉस्को टू सेंट पीटर्सबर्ग गए वाया डोमेस्टिक फ्लाइट। सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचने के बाद हम लोग बस से गए थे, वहाँ पे हमको एक सर आए थे पिकअप करने के लिए, और वहाँ से हम लोग वाया रोड पेट्रोस हाउस के लिए निकले थे, जिसमें हमको 7 घंटा लगा था। और बस से जाने के एक फ़ायदे हमको ये भी हुए थे कि हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था अगल बगल के सीनरी को, तो मज़ा भी आया था बस में भी ट्रैवलिंग करने से। फिर उसके बाद सभी को अपना अपना रूम के चाबी मिल गए, और वो अपने अपने पर्टिकुलर रूम में चले गए, और उसके बाद धीरे धीरे अपने हिसाब से टाइम के हिसाब से सबने अपने अडाप्ट किया खुद को। बस यही थी मेरी जर्नी फ्रॉम इंडिया टू रशिया। और चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।